नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स और हम बात करते हैं कि होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लिम्फेडिनोपैथी के बारे में, यानी कि अगर बॉडी में लिम्फ नोड की सूजन हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से आप अपना सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे ज्वाइन का एक बटन है, इसको प्रेस करना है। अगर आप ज्वाइन को प्रेस करते हैं तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी कि किस तरह आप लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिम्फेडिनोपैथी और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है? अब हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं। अब ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये हर जगह पे होते हैं, और हर एक लिम्फ नोड या ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड एक पर्टिकुलर एरिया के लिम्फैटिक फ्लूड को ड्रेन करते हैं। दोस्तों, ये जो लिम्फ नोड हैं इनका क्या काम होता है? हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है, बैक्टीरियल, वायरल, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हमारे बॉडी को अटैक करता है, तो ये जो लिम्फैटिक्स है या लिम्फ नोड है ये हमारे बॉडी को सेफगार्ड करते हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो ये एक तरह से आप समझिए कि बैरिकेड लगे हुए हैं बॉडी में जगह जगह पे, और ये जो है ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। तो हर लिम्फ नोड को एक पर्टिकुलर एरिया बॉडी का है जो कि उसको ड्रेन करता है, और उस एरिया के लिम्फैटिक फ्लूड को वो क्लीन रखता है। तो दोस्तों, जो हमारे मुख्य लिम्फ नोड्स हैं वो सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड होते हैं, एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि हमारे आर्मपिट में होते हैं, ब्रोंकियल लिम्फ नोड, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, इंगॉइनल लिम्फ नोड, फेमोरल लिम्फ नोड और पोप्लिटियल लिम्फ नोड। तो ये हमारे अलग अलग ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करता है। तो दोस्तों, लिम्फ नोड में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है या लिम्फ नोड क्यों बढ़ जाते हैं? तो आपके बॉडी में अगर कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट अटैक करता है तो लिम्फ नोड, जिसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, ये उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट या माइक्रोब के साथ उसको फाइट बैक करता है, जिसके वजह से आपके लिम्फ नोड में सूजन या स्वेलिंग हो जाती है। तो लिम्फ नोड स्वेलिंग आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस में आपको लिम्फ नोड बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कैंसर में भी, जैसे लिम्फोमा है या ल्यूकेमिया है, इसमें भी लिम्फ नोड आपके बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लिम्फ नोड आपको कोई मेलिग्नेंसी की वजह से बढ़ रही है तो उस केस में फीवर रहना, नाइट स्वेट होना या आपको बहुत ज़्यादा थकावट, वीकनेस का फील होना, ये भी कुछ इंडिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपको अपने बॉडी में कहीं पे भी लगता है कि गांठ बन रही है जो आप फील कर पा रहे हैं और गांठ की साइज़ बढ़ रही है, तो आपको ज़रूर इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीटमेंट दे सकें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर आपके बॉडी में लिम्फेडिनोपैथी हो रहा है या लिम्फ नोड्स में सूजन हो रही है तो होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, स्वेलिन लिम्फ नोड के लिए जो सबसे पहली हमारी दवा है वो है कैल्केरिया आयोड। तो दोस्तों, कैल्केरिया आयोड, अगर आपको लिम्फ नोड सूजन है और हार्डनिंग हो रही है लिम्फ नोड में, तो ऐसे कंडीशन में हम इस मेडिसिन से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी दवा है कैल्केरिया फ्लोर। तो दोस्तों, कैल्केरिया फ्लोर जो दवा है इसको 6x पोटेंसी में दिया जा सकता है। अगर आपके ब्रोंकियल लिम्फ नोड में सूजन आ रही है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में आपको सूजन आ रही है, तो ऐसे केस में हम कैल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी दवा है कैल्केरिया कार्ब। तो दोस्तों, कैल्केरिया कार्ब किनको देना होता है? जिनका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, फैट, फेयर, फ्लैबी, और उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की इनको प्रॉब्लम होती है, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड, तो ऐसे कंडीशन में
कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन हम दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है स्क्रोफुलोरिया नोडोसा। तो स्क्रोफुलोरिया नोडोसा अगर ब्रेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, गांठ वगैरह बन रही है, उसके वजह से लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट आ रही है, तो स्क्रोफुलोरिया नोडोसा एक दवा है जो हम दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलेका डिकेंड्रा। फाइटोलेका डिकेंड्रा में हम देखते हैं कि लिम्फेडिनाइटिस की अगर प्रॉब्लम है और एक्सिलरी लिम्फ नोड अगर बड़ा हुआ है और हो सकता है ब्रेस्ट में कोई गांठ हो उसके वजह से एक्सिलरी लिम्फ नोड भी बढ़ गया है और इन्फेक्शन का कोई केस है, लिम्फेडिनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो हमारी मेडिसिन फाइटोलेका डिकेंड्रा है इसको हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी दवाइयाँ थी जो कि कॉमनली हम लिम्फेडिनोपैथी में हम यूज़ करते हैं। बट अगेन लिम्फेडिनोपैथी आपको किस वजह से है, क्या नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम की वजह से लिम्फ नोड में सूजन आ गई जैसा बच्चों के केस में होता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन टीबी के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट देना है। अगर आपको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है, आपको ल्यूपस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसका हमारा ट्रीटमेंट अलग है। अगर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट लिम्फोमा या ल्यूकेमिया के कारण है तो जो इसके वजह से ट्रीटमेंट होगा तो वो भी हमारा अलग रहेगा। तो बेसिकली लिम्फ नोड एनलार्जमेंट केवल एक सिम्टम है कि आपको लिम्फ नोड में गांठ बन रही है या आपको शरीर में गांठें बन रही है जो अब फील कर पा रहे हैं, पर ये गांठें क्यों बन रही है, इसका कारण क्या है, वो हमें पता लगाना है और उसी अकॉर्डिंगली फिर हमें इस केस के लिए या इस कंडीशन में ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया लिम्फेडिनोपैथी के बारे में और होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में बताया, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना है, वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है उसको प्रेस करें तो आप लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं और अपने सवाल लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं, लाइव चैटिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।